प्रेशर पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आजमाया हुआ नुस्खा है और वो इन दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जब से एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार ने प्रेशर पॉलिटिक्स जो है दबाव की राजनीति का खेल खेलना शुरू कर दिया और वो हाल के दिनों में ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए कि वो लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात के साथ साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मिलते रहे हैं। हालांकि पहले जो मुलाकात होती थी वो कभी कभार होती थी, लेकिन इन दिनों नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। एक बार गए, लालू जी आवास पर नहीं है तो लौट आए, फिर दोबारा गए, फिर तीसरी मर्तबा गए। यानी जो एक कार्यकर्ता अपने नेता से मिलना चाहता है, उनकी कुछ इच्छाएं होती है कि हुजूर ये दे दिया जाए, हुजूर इस कागज पे दस्तखत कर दिया जाए, उसी तरह की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसके सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, इसलिए वो 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। सबसे बड़ी पार्टी न होने के बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज है। तो आखिरकार कहा किया जाए, कहा कहा जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर और गठबंधन के नेताओं पर सियासत का जो एक दबाव है, जो पॉलिटिक्स है, उसे प्रभावी तौर से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हो गए हैं तो प्रधानमंत्री ने उन्हें दावत दी G20 में जाने की, वो भोज में पहुंच जाते हैं। जब आपकी नजरियाती लड़ाई है, जब एनडीए के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन के साथ चले गए, जब आपने सरकार तोड़ दी, तो फिर आपको ये राजनीति में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप क्या दिखाना और क्या बताना चाहते हैं? पहला मामला कि वो G20 की मीटिंग में दिल्ली पहुंच गए, मुख्यमंत्री कई सारे थे वहां, नीतीश कुमार भी थे, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाया और कई तरह की बातें आने लगी। उसके बाद देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने सरकारी प्रोग्राम करवा दिया। नजरियाती तौर पर लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी RJD, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ रहे हैं। यानी जो RSS का नजरिया है, उस नजरिए से हट करके समाजवाद की एक राजनीति का जो नजरिया है, उसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान ने स्थापित किया। और JP के आंदोलन के बाद जो राजनीति उनकी शुरू हुई, उसमें यही कहा गया कि कर्पूरी, JP और मौलाना आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जैसे लोगों के सियासी राह पर हमें चलना है। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर रहे हैं? जिन लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हीरो माना, स्वतंत्रता सेनानी माना, उसको नीतीश कुमार भी स्वतंत्रता सेनानी मान रहे हैं? आखिरकार राजनीति का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी के विरोध में है तो खुल करके विरोध कीजिए। और ऐसे हालात में जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 को लेकर के बिगुल फूका गया, तो सबसे पहले नीतीश कुमार ने भारत के सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की और कभी ये नहीं कहा कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें कन्वेनर बनना है। लेकिन उनकी पार्टी के सीनियर नेता है महेश्वर हजारी, उनका बयान, परसों का बयान ये है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे दावेदार भारत में अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब बताइए कि नीतीश कुमार ने हमेशा मीडिया के सामने ये कहा है कि हमें कोई इच्छा नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आखिरकार जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपका नेता ये बयान कैसे देता है कि भाई प्रधानमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार हो सकते हैं? तो यही असल प्रेशर पॉलिटिक्स है कि नीतीश कुमार को असल लालू प्रसाद यादव ने यह वादा किया था कि मैं तो बीमार हूं, राजनीति में उतना बड़े पैमाने पर हम सक्रिय नहीं हो सकते हैं, तो आप गठबंधन के अपोजिशन के नेताओं को जमा कीजिए। नीतीश कुमार ने वो कारनामा किया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी जो कांग्रेस की सबसे बड़ी सियासी दुश्मन थी, जिसने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, उनको भी नीतीश कुमार एकजुट कर लिए। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी की तस्वीर आपने देखी, ये सारा कारनामा नीतीश कुमार का किया हुआ था। नीतीश कुमार की जो सियासी ताकत थी उसका मुजाहरा उन्होंने किया कि सबको एक साथ जमा कर दिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह आश्वासन मिला गठबंधन के नेताओं की तरफ से, या लालू प्रसाद यादव ने कहा होगा कि आप जमा कीजिए और हम आपको ये जो अपोजिशन के नेताओं का एक गठबंधन बन रहा है उसके हम आपको कन्वीनर बना देंगे। यानी आप मालिक रहिएगा, आप गार्जियन रहिएगा, सबको एकजुट करके रखिएगा, इस काम में आपको सफलता भी मिली है। लेकिन उसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी तो सियासत के बड़े चाणक्य हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने के साथ साथ ये शर्त रख दी कि अगर आप कन्वेनर बनाए जाते हैं तो मेरा बेटा यानी तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा, ये तय हो गया। अब बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कन्वेनर बनना था और कन्वेनर बनाया नहीं गया, वादा खिलाफी कर दी गई। और लालू प्रसाद यादव इस उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार कन्वेनर बनेंगे,
तो तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीज हुई नहीं। जब हुई नहीं तो नीतीश कुमार सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हुए सरकार तोड़ने के बाद लालू यादव के साथ रहने के बावजूद भी आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाते हैं, आप G20 की मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके खाना और नाश्ता करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, लोग ये कह भी रहे हैं, सियासत के जो माहिर लोग हैं, कि नीतीश कुमार सियासत की जो पॉलिटिक्स है, दबाव की जो राजनीति है, वो ज्यादा करना जानते हैं। यही वजह है कि 18 साल से वो बिहार में मुख्यमंत्री हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री के बारे में कहते रहे कि मैं बनना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनके जितने भी नेता हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ही सबसे सुलझे हुए सुशासन की सबसे बेहतरीन मिसाल नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अगर नीतीश कुमार को बनना नहीं है तो उनका नेता कहता क्यों है? अगर कहता है तो मुख्यमंत्री उन्हें मना क्यों नहीं करते हैं कि भाई तुम क्यों ये बोल रहे हो, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि अपोजिशन के नेताओं को एक साथ जमा कर दिया जाए और जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। तो नीतीश कुमार सियासत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लगातार वो लालू प्रसाद यादव से जाकर के मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि लालू यादव कांग्रेस को जो कहेंगे इस वक्त कांग्रेस को मानना पड़ेगा, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव सियासत में बड़े एक्टिव हैं। 3 मीटिंग में लालू यादव ने जो सियासी रुख अख्तियार किया, जो बयानबाजी की उन्होंने, उससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी आ गई और कहा गया कि लालू अपने पुराने रंग में आ गए हैं। इसलिए नीतीश कुमार से मिलना लालू यादव को जरूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, मजबूरी इस वक्त नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार लालू यादव से लगातार मिलने जाते हैं। अगर लालू यादव नहीं होते, सुबह जाते हैं, नहीं मुलाकात होती, दोपहर जाते हैं, दोपहर नहीं तो शाम जाते हैं, इस बीच में लालू यादव से नीतीश कुमार कई बार मुलाकात कर चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद यादव अगर सियासत के चाणक्य है बिहार में, तो नीतीश कुमार जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसके भीषण पितामह है और वो इसी राजनीति का खेल खेल रहे हैं ताकि गठबंधन के नेताओं पे ये दबाव बनता रहे कि अगर मेरी बात, मेरी इच्छा नहीं मानी गई तो मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाऊंगा। और नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसमें यही सब कुछ चलता है, इसलिए 18 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं।